हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने वाला हूं, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। और बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना ऐसी इंटरेस्टिंग हिप हॉप अपडेट्स जानने के लिए। तो सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है कृष्णा की तरफ से। तो जो द रॉक करके हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक रील डाली हुई थी जिसमें कि आप देख सकते हो वो वर्कआउट कर रहे हैं और बैकग्राउंड में कृष्णा का सॉन्ग चल रहा है। तो कृष्णा के लिए तो ये काफी बड़ी बात है और कृष्णा ने इसको अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में शेयर करते हुए लिखा हुआ था, आया मैं कहां से, देखो पहुंचा मैं कहां पे। और नीचे उन्होंने लिखा हुआ था, द वन एंड ओनली द रॉक गेटिंग इट इन एट द जिम टू माय वर्स ऑन ओवरड्राइव जीज ग्रो अप वाचिंग हिम ऑन WWE एंड नाउ दिस। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही आपको पता होगा कि करण औजला की EP आने वाली है और उसमें YG के साथ भी हमको कोलैब सॉन्ग देखने के लिए मिलने वाला है। तो उसका उन्होंने ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिया हुआ है और इस सॉन्ग का नाम होने वाला है गैंगस्टा, और ये हमको 10 मई को देखने के लिए मिलने वाला है। और इसके नीचे आप देख सकते हो जो कृष्णा है उन्होंने भी कमेंट किया हुआ है जिसमें कि लिखा हुआ है गैंगस्टा 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 और फायर का स्टिकर लगा हुआ है। साथ ही उन्होंने इसको इंस्टाग्राम की स्टोरी में शेयर करते हुए लिखा हुआ था, सर्टिफाइड बैंगर। अगली जो न्यूज है वो आ रही है MEVA की तरफ से। तो MEVA की किसी सॉन्ग की शूटिंग वगैरह चल रही है, आप देख सकते हो एक समीर फायर बॉय करके हैं जिन्होंने की एक स्टोरी डाली हुई थी। सो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, और हम शूट पे आए थे और MEVA भाई की गाड़ी है और बहुत मजा आता है भाई के साथ हमेशा शूट करने। जब भी भाई बुलाते हैं मैं बहुत इंजॉय करता हूँ भाई के साथ। अभी और वीडियो आएगी भाई के साथ अपनी। अगली जो न्यूज है वो आ रही है MC इंसान की तरफ से। तो MC इंसान ने अभी आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले कुछ स्टोरीज डाली हुई थी, इसके बाद उन्होंने आज एक स्टोरी डाली जिसमें कि उन्होंने कहा हुआ है कि मैंने अपने ही लोगों को डिमोटिवेट किया और उदास किया, खुद पे शर्म आ रही है पर अब उससे ज्यादा गुस्सा आ रहा है, माफ करो। उन्होंने काफी कुछ लिखा हुआ था, आप पॉज कर करके पढ़ लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।